जय हिंद बच्चों, आज हम लोग किंगडम मोनेरा पढ़ेंगे। ठीक है, किंगडम मोनेरा आज का हमारा टॉपिक होगा। किंगडम मोनेरा, किंगडम मोनेरा 5 किंगडम क्लासिफिकेशन का पार्ट है। ये जो है तो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन का ये पार्ट है, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। ठीक है, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन का ये पार्ट है किंगडम मोनेरा। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन आर एच विटाकर द्वारा दिया गया था, आर एच विटेकर द्वारा दिया गया था। ठीक है, आर एच विटेकर द्वारा दिया गया था। तो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में 5 किंगडम होते हैं। पहला किंगडम मोनेरा, पहला किंगडम मोनेरा है जिसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। दूसरा प्रोटिस्टा हो गया। ठीक है, किंगडम प्रोटिस्टा दूसरा है, किंगडम प्रोटिस्टा। तीसरा किंगडम फंजाई, किंगडम फंजाई। चौथा प्लांटी। ठीक है, किंगडम प्लांटी। चौथा किंगडम प्लांटी और पांचवा एनिमेलिया। ठीक है, पांचवा जो है तो एनिमेलिया है। तो आज हम लोग किंगडम मोनेरा के बारे में आज से स्टार्टिंग करेंगे। किंगडम मोनेरा के बारे में हम लोग अच्छी तरह से पढ़ेंगे। ठीक है, किंगडम मोनेरा के बारे में अच्छी तरह से पढ़ेंगे। तो किंगडम मोनेरा में जितने भी ऑर्गेनिजम्स पाए जाते हैं, सभी के सभी ऑर्गेनिजम्स यूनिसेलुलर होते हैं। यूनिसेलुलर होते हैं, यूनिसेलुलर का मतलब सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म। ठीक है, यूनि का मतलब सिंगल हो गया, यूनि का मतलब सिंगल हो गया, और सेल सेलुलर का मतलब सेल हो गया। ठीक है, तो यूनि सेलुलर का मतलब क्या हो जाएगा? सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म। और यूनि सेलुलर होते हैं और दूसरा प्रोकैरियोटिक होते हैं। ठीक है, प्रोकैरियोटिक होते हैं। तो किंगडम मोनेरा में जितने भी ऑर्गेनिजम्स पाए जाते हैं, सभी के सभी ऑर्गेनिजम्स यूनि सेलुलर होते हैं और प्रोकैरियोटिक होते हैं। प्रोकैरियोटिक का मतलब होता है कि ऐसा सेल जिसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अब्सेंट हो। ठीक है, सेल सेल विच हैव नॉट डिफाइंड न्यूक्लियस। ठीक है, डिफाइंड न्यूक्लियस, विच हैव नॉट डिफाइंड न्यूक्लियस। हम लोग किंगडम मोनेरा में सबसे ज़्यादा बैक्टीरिया के बारे में पढ़ेंगे। तो बैक्टीरिया को हम लोग शेप के आधार पर फिर से डिवाइड करते हैं। ठीक है, बैक्टीरिया को शेप के आधार पर फिर से डिवाइड किया गया है। बैक्टीरिया आर डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ शेप, ऑन द बेसिस ऑफ शेप। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ शेप। ये 4 तरह के होते हैं बैक्टीरिया। अगर बैक्टीरिया स्फेरिकल शेप हो, ठीक है, अगर स्फेरिकल शेप हो इस तरह, तो हम लोग उसे कोकस कहेंगे। ठीक है, हम लोग उसे क्या कहेंगे? कोकस। और अगर रॉड शेप्ड हो, ठीक है, बैक्टीरिया अगर रॉड शेप्ड हो, रॉड शेप्ड इस तरह हो, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे? बेसिलस, बेसिलस, सॉरी बेसिलस। ठीक है, अगर स्पाइरल शेप हो इस तरह धागे नुमा। ठीक है, अगर धागे नुमा हो तो उसको हम लोग स्पाइरीला कहेंगे, स्पाइरीला। अगर धागे नुमा हो तो उसको हम लोग स्पाइरीला कहेंगे। और कॉमा शेप हो तो उसको हम लोग जो है तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? ये गलत बन गया है, ठीक, इसको अच्छा से सुधार देते हैं। तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? कॉमा शेप हो अगर तो उसको हम लोग कहेंगे विब्रियो, विब्रियो। ठीक है, उसको हम लोग विब्रियो कहेंगे। आगे हम लोग बैक्टीरियल का सेल स्ट्रक्चर पढ़ेंगे। ठीक है, बैक्टीरियल सेल स्ट्रक्चर पढ़ेंगे आगे। बैक्टीरियल सेल स्ट्रक्चर में सबसे जो इंटरनल मेम्ब्रेन होता है उसको हम लोग सेल मेम्ब्रेन कहते हैं।
उसके जो बाहरी मेम्ब्रेन होता है उसको हम लोग सेल वॉल कहते हैं, और उसके जो बाहर होता है वो जो है तो ग्लाइकोकैलिक्स का लेयर होता है। ठीक है, तो सबसे अंदर वाले को हम लोग क्या कहते हैं, सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन सबसे अंदर वाले को क्या कहते हैं, सेल मेम्ब्रेन। उसके अंदर उसके बाहर वाले को क्या कहेंगे, सेल वॉल। सेल वॉल उसके बाहर वाले को क्या कहेंगे, सेल वॉल। और सबसे बाहरी वाली लेयर को हम लोग ग्लाइकोकैलिक्स नाम देंगे, ग्लाइकोकैलिक्स। ठीक है, ग्लाइकोकैलिक्स नाम देंगे। तो बैक्टीरिया को सोल मेंबर ऑफ किंगडम मोनेरा भी कहा जाता है। ठीक है, तो बैक्टीरिया इज आल्सो नोन है सोल मेंबर ऑफ द किंगडम मोनेरा, आल्सो नोन है सोल मेंबर ऑफ सोल मेंबर ऑफ किंगडम मोनेरा। ठीक है, सोल मेंबर ऑफ किंगडम मोनेरा, सोल मतलब आत्मा होती है। ठीक है, तो किंगडम मोनेरा का आत्मा माना गया है किंगडम, ये इसको बैक्टीरिया को। ठीक है, बैक्टीरिया को आत्मा माना जाता है किंगडम मोनेरा का। तो आगे हम लोग ग्लाइकोकैलिक्स जो लेयर है, ये एक्सटर्नल जो लेयर है बैक्टीरियल सेल का, उसके बारे में स्टडी करेंगे। तो ग्लाइकोकैलिक्स प्रोटीन और पॉलीसेक्राइड से मिलकर बना होता है, प्रोटीन और पॉलीसेक्राइड से मिलकर बना होता है, पॉलीसेक्राइड। ठीक, सेकेराइड। तो ग्लाइकोकैलिक्स प्रोटीन और पॉलीसेक्राइड से मिलकर बना होता है, ये स्टिकी कैरेक्टर प्रोवाइड करता है। ठीक है, ये स्टिकी कैरेक्टर प्रोवाइड करता है। तो लिखेंगे ग्लाइकोकैलिक्स प्रोवाइड, ग्लाइकोकैलिक्स प्रोवाइड स्टिकी कैरेक्टर टू बैक्टीरियल सेल। ठीक है, टू बैक्टीरियल सेल। ठीक है, तो ये स्टिकी कैरेक्टर प्रोवाइड करता है। ग्लाइकोकैलिक्स अगर हार्ड होता है तो ऐसे ग्लाइकोकैलिक्स को हम लोग कैप्स्यूल नाम देते हैं। ठीक है, ऐसे ग्लाइकोकैलिक्स को हम लोग कैप्स्यूल नाम देते हैं। और अगर ग्लाइकोकैलिक्स सॉफ्ट होता है, ठीक है, नरम होता है, तो ऐसे ग्लाइकोकैलिक्स को हम लोग स्लाइम लेयर नाम देते हैं। ठीक है, स्लाइम लेयर, ऐसे ग्लाइकोकैलिक्स को हम लोग स्लाइम लेयर नाम देते हैं। बैक्टीरिया के मूवमेंट के लिए उनके ऊपर दो स्ट्रक्चर पाए जाते हैं। ठीक है, जिसको हम लोग सीलिया और फ्लेजिला के नाम से जानते हैं। ठीक है, सीलिया और फ्लेजिला ऐसा स्ट्रक्चर है जो कि बैक्टीरियल सेल को मूवमेंट में हेल्प करता है। ठीक है, मूव करने में हेल्प करता है फ्लेजिला। ठीक है, फ्लेजिला ऐसा जो है तो स्ट्रक्चर है जो कि बैक्टीरियल सेल को मूव करने में मदद करता है, हेल्प करता है। और बैक्टीरिया पर एक ऐसा स्ट्रक्चर पाया जाता है जो कि रॉक्स और होस्ट टिश्यू पर अटैच करने के लिए मदद करता है। ठीक है, तो इस स्ट्रक्चर को हम लोग फिम्ब्री नाम देंगे, फिम्ब्री नाम। ऐसा स्ट्रक्चर को नाम हम लोग क्या देंगे, फिम्ब्री, FIMBRIA। तो helps to attach on rocks or host tissue। ठीक है, तो आज का जो हमारा किंगडम मोनेरा का स्टार्टिंग इंट्रोडक्शन था वो ख़त्म हो गया। और आगे हम लोग इसके जो है तो ग्रुप्स जितने भी हैं सबके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है,
जितना भी ग्रुप्स हैं हम लोग सबके बारे में पढ़ेंगे बारी बारी से। और आज का कोर्स ख़त्म हो गया। शुक्रिया।